गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। वैसे यार एलर्जी की वजह से ना आंख में खुजली हो रही है अलग ही लेवल की। सो स्टार्टिंग आवर डे विद सम किसमिस एंड चलेंगे अभी वॉक पे एंड दिखाते हैं आगे का आपको। ठीक है, स्टे वेदर ट्यून्ड। इज फिट एंड फाइन नहीं बोलूंगा, आज क्लाउडी क्लाउडी सी है। कूल कूल कैमरा पे कुछ तो जमा है। वेदर इज कूल कूल एंड बारिश होने के चांसेस लग तो रहे हैं, बट जब हमको लगता है कि बारिश होने वाला है तब नहीं होती है, जब नहीं लगता है तब जबरदस्त बारिश होती है। एंड निकल पड़े अपन वॉक पे। एंड आज ये है कि आंख जल रही है, अभी पहले तो खुजली हुई, खुजली कर ली, उसके बाद जल रही है। मतलब वहां पे एक बच्चे को हुआ था कंजेक्टिवाइटिस, होपफुली हमें ना हो जाए तो फिर वाट लग जाएगी भाई, अंधेपन में वॉक के लिए कैसे जाएंगे हम, है कि नहीं। एंड अभी रास्ता भी चलो मिट्टी विट्टी डाल के साफ कर लिए है यहाँ का, एंड कीचड़ वीचड़ कम ही है। सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज हाउ पोस्टर्स साफ किए जाते हैं दीवारों से, प्रेशर वाले, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर होस से। गाड़ियां भी साफ कर सकते हैं राइट, इससे खाना बन रहा है। वैसे वैसे लोगों को लगता होगा कि हैदराबाद में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट नहीं की जाती, गलत बात है यार, मतलब बहुत ही बड़े स्केल में की जाती है। आपने कल वाले वीडियो में देखा ही होगा राइट, डे 57 of 75 हार्ड। एंड यार हमको कैलकुलेट करना चाहिए था ये कौन सा डे है जब हम पंजागुट्टा सुबह वॉक करके आए हैं। यहाँ पे भी एक केक काट लेते राइट, सक्सेस पार्टी मना लेते। वैसे डे 57 हो गया, मुझे तो लगा था भाई 2 दिन ही हो पाएगा, बट वो 2 दिन के बाद और 50 डेज भी हो गए। एंड ये मेरे लिए खास करके अपने सेल्फ कंट्रोल को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपने सेल्फ कंट्रोल को बचाए रखा एंड उसको हारने नहीं दिया, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एंड यू गाइस शुड स्टे। वीडियो में दिखाया था एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राइट, जिसके साइड में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं एंड विसर्जन के लिए जगह बनाई गई है, तो वहां पे स्विमिंग पूल भी है। सो अभी हम जा रहे हैं पता करने की स्विमिंग क्लासेस की क्या टाइमिंग्स है। सो इफ पॉसिबल मॉर्निंग रूटीन में हम रख लेंगे स्विमिंग, बिकॉज स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज एंड मजा आ जाएगा राइट। वैसे मैं पहले स्विमिंग करता था एंड उससे ज्यादा जल्दी फैट बर्न करने में आपकी कोई एक्सरसाइज मदद नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। एंड इफ पॉसिबल गोप्रो तो है नहीं, अपना ऑस्मो लेके जाएंगे फिर स्विमिंग करने। ये है वो स्पोर्ट्स क्लब एंड इसके अंदर है स्विमिंग पूल। वैसे स्विमिंग का क्या है, ऑनलाइन प्रोसीजर है एंड मंडेज को कॉम्प्लेक्स बंद रहता है, सो आज बंद है बिकॉज टुडे इज मंडे। एंड देखते हैं अगर वेबसाइट कल तक खुल जाए तो ठीक है, वरना फिर से आएंगे। रिटर्निंग बैक टू द रूम एंड ब्रेकफास्ट में आज करेंगे हम क्या, दूध एंड ब्रेड। वैसे दूध संकेत लेके आ रहा है, स्कूटी के डिक्की में रह गया होगा वो, एंड उसके साथ खाएंगे हम ब्रेड। टाइम फॉर ब्रेकफास्ट नाउ, जो कि है दूध एंड ब्रेड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत, आप देख रहे हैं एबी वंडरर, चलिए शुरू करते हैं। वैसे आज का बुक रीडिंग वाला टास्क कंप्लीटेड है एंड आज का चैप्टर, मतलब जो चैप्टर पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा था, लंबा सा चैप्टर था अबाउट फ्लो राइट, वो चैप्टर खत्म हो गया फाइनली। सो आज हमने क्या क्या नॉलेज लिया इस चैप्टर से, सो आज हमें बहुत सारे मतलब न्यू नॉलेजेस मिले एंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो कि सबको करना चाहिए एंड जो आप सबके पास है, पर्सनल स्पा। सो व्हाट इज पर्सनल स्पा मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले मैं बता देता हूं अबाउट फ्लो। सो पिछले, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके देखिए, बट फिर भी मैं आपको एक समरी दे देता हूँ ठीक है। फ्लो क्या होता है, फ्लो एक ऐसा स्टेट होता है कि जिसमें आप खो जाते हैं, मगन हो जाना,
is flow. Suppose you are doing a thing which you love to do, for example, if you are painting, and painting करते करते आपको time का पता ही नहीं चलता कि time कब खत्म हो जाता, तो इसका मतलब you attain the flow in painting. So वहां आपका ikigai छुपा हुआ रह सकता है या उस चीज से ikigai आपका linked हो सकता है. So जिन चीजों में आप flow attain कर लेते हैं बहुत जल्दी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों से आपका ikigai linked होता है. ठीक है, फिर आप अगर गौर से सोचे उस चीज के बारे में तो आपको मालूम पड़ सकता है जल्दी कि आपका ikigai कहाँ पे है या आपका ikigai क्या है. आपको ikigai फाइंड करने में बहुत मदद मिल सकती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ओके, वो चीज जो आप सब कैरी करते हैं, द स्पा. ठीक है, तो लोग स्पा क्यों जाते हैं? वैसे स्पा जाते हैं लोग ताकि एक रिलैक्सिंग सा स्टेट हो, ठीक है, वो वहां पे रिलैक्स कर सके. ठीक है, इसीलिए लोग स्पा जाते हैं. तो क्या होता है कि आप मेंटल पीस अटेन कर सकते हैं कहीं पे भी, कहीं से भी. एंड वो कैसे करें पता है आपको? आप सबको पता है, कहीं ना कहीं वो आपके माइंड के अंदर ही है. अब जब मैं बोलूंगा ना, आप बोलोगे हाँ यार ये तो सच है. सो दैट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं. ठीक है, वैसे माइंड में क्या होता है, हमारे ब्रेन में मतलब बहुत सारी चीजें चलती रहती है, राइट. आंख बंद करके अगर 10 सेकंड सोचो, ठीक है, आप एक पॉइंट पे फोकस करो. मेडिटेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, मैं स्टूडेंट था बचपन में, आर्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग का स्टूडेंट था मैं. ठीक है, तो उसके कुछ क्या बोलते हैं कैंप्स मैंने अटेंड किए थे. तो उसमें हमको बताया गया कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है. सो इफ यू क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन अ सिंपल डॉट. ठीक है, वही डॉट पे फोकस करो एंड आजू बाजू के जो भी सारे थॉट्स हैं उन थॉट्स को हटा दो. जस्ट फोकस ऑन दैट सिंपल डॉट. एंड ये आपको करना है सेवरल मिनट्स तक, क्योंकि पहले पहले क्या होता है आपके माइंड में रैंडम थॉट्स बहुत आएंगे. ठीक है, बट धीरे धीरे आप वो स्टेट अटेन करने लगेंगे. ठीक है, दिन में एटलीस्ट एक घंटे का अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये आपके माइंड के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है. ये आपके माइंड को रिलैक्स रखता है. ठीक है, एंड थिंकिंग एबिलिटी आपका बढ़ाता है. दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड ये आपको पीसफुल बनाता है एंग्जाइटी और बहुत सारे टेंशन वाले प्रॉब्लम्स. ठीक है, टेंशन आपको होती है तो मेडिटेशन करके देखो. ठीक है, रिलैक्स फील करोगे. ठीक है, ब्रेन शांत हो जाएगा. वैसे आई डोंट मेडिटेट, बट ये होता है कि कभी कभार आंख बंद करके कुछ देर के लिए अपने थॉट्स को दूर करके बैठ जाता हूँ मैं. एंड वो मुझे रिलैक्स रखने में बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हेल्प करते हैं. एंड ये सबको करना चाहिए. ओके, एंड अबाउट फाइंडिंग इकिगाई फ्रॉम फ्लो, आप एक चीज कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए वो सारी चीजें जो आपको फ्लो अटेन करने में मदद करती है. वो सारी चीज पहले नोट डाउन कर लो. ठीक है, वो चीजें नोट डाउन करने के बाद आगे के चैप्टर्स में बताएंगे कि कैसे फाइंड आउट करें इकिगाई. वैसे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप किताब है. चलो, आपको अभी ये चैप्टर से पता चल गया होगा कि कौन सी चीजों में आप फ्लो अटेंड कर सकते हैं. एंड सोचो कोई चीज इंपॉर्टेंट है उसमें भी आप कैसे फ्लो अटेन करें. बिकॉज कभी कभार ये होता है ना, वही सेम चीज है. ठीक है, सपोज आप एक कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आज शुरू कर रहे हो आप पाइथन कोडिंग प्रोग्रामिंग सीखना. ठीक है, आज के डेट में वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट डेली अगर करते जाओगे ना प्रैक्टिस, तो एक टाइम आएगा आपको वो डेड इजी लगेगा पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, एंड जब आपको डेड इजी लगेगा तब आपके लिए कोई चैलेंजेस नहीं रहे पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाएंगे, नंपाई सीखेंगे, पांडा सीखेंगे, डिफरेंट लाइब्रेरीज सीखेंगे. तो आप अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा क्या है, अपने खुद को चैलेंजेस दिया कीजिए ताकि आप बोर ना हो. एंड थोड़ा थोड़ा चैलेंज होता है लाइफ में तो क्या होता है, लाइफ एक्साइटिंग होती है, राइट. इफ यू डोंट फेस चैलेंजेस योर लाइफ इज बोरिंग. एंड लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं है, आपने स्ट्रगल नहीं देगा, क्या जी रहे हो यार बोरिंग सी लाइफ. आप स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, इंसान हर कहीं हर स्टेप में थोड़ा ना थोड़ा किसी चीज में स्ट्रगल करता ही है, एंड वो स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाती है. सो
अबाउट फाइंडिंग योर इकिगाई, आगे के चैप्टर्स में आपको और मदद मिलेगी अपने इकिगाई ढूंढने में. अभी फोकस ऑन योर फ्लोस, जो चीजें आपको फ्लो वाले स्टेट में रखती है उन पे फोकस करो, एंड उनमें थोड़ा थोड़ा क्या है एक्स्ट्रा चैलेंजेस ऐड करते जाओ, एंड चैलेंजेस उसमें आप ऐड करते जाओगे तो आप और इम्प्रूव कर रहे हो, एंड आपके न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स भी रीजनरेट कर रहे हैं. पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था राइट. सो ऑलवेज टेक चैलेंजेस एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज आप चैलेंजेस से डरेंगे तो वो आपको और डराएंगे. चैलेंजेस लेते रहो एंड इम्प्रूव योर सेल्फ अंटिल यू आर स्ट्रॉन्ग. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. खाने में बन रहे आलू गोभी, थोड़ा ऑथेंटिक भी बना लेते हैं राइट. अरे अपना फेवरेट जीरा एंड सरसों का चौंक, डालेंगे प्याज, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च पाउडर, चिकन मसाला एंड नमक मिला देंगे इसमें ऐसा, एंड चिली भी है यार, दो मिर्च डाली है इसमें हमने. मिर्च के पकने के बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, जिसको देख के मुंह में आ जाए वाटर. फिर डालेंगे टमाटर थोड़ा सा पकने के बाद इसमें आलू, क्योंकि आलू को बॉईल होने में एंड मिलने में टाइम तो लगता है बाबा. थोड़ा और चिकन मसाला, फिर हल्दी, फिर मिर्च पाउडर, फिर धनिया पाउडर डालेंगे, एंड इसके ऊपर अपन क्या डालेंगे, गोभी. डल गया अपना गोभी, अभी इसको मस्त से मिलाएंगे. आलू गोभी इज रेडी, टाइम फॉर लंच नाउ, गोभी एंड राइस. चलो बहुत दिनों बाद थोड़ी जोरों की बारिश हो रही है, पर जिम कैसे जाएंगे वही सोच रहे हैं. छतरी लेके भाई, छतरी का कब काम आएगा. यस, सो हम आ गए फिर से जिम में वापस. मतलब एक दिन का गैप होता है ना, अजीब लगने लगता है यार ऐसा जिम के लिए. आज है छाती दिवस, छाती आज छाती मारे के लिए देख लिए, याद आगे कट्टी निकल जाएगी. एमसी को तो पता, एमसी का तो पता नहीं है, लेकिन बीसी स्टैंड जरूर लग रहा है ये. मतलब वही बीसी स्टैंड यार, हर डे ना दूसरा वर्कआउट रूटीन यही होता है. आजकल तो इतना पानी पी रहे हैं 75 हार्ड के मतलब स्टार्टिंग से, कि जो बैरल पहले 3 दिन चलता था 1.5 दिन डबल वाटर इंटेक हो गया अपना. और एक फ्लोर बाकी आते आते एक छोटा सा हादसा हो गया, इतना सा, आई मीन इतना सा, ठीक है. कंधे से ये कंधे से वो कंधे पे ले रहे थे, ऊपर एक रॉड लगा हुआ था, लग गया हाथ में. बट टीटनस हमने लिया हुआ था, आई गेस 6 महीने के अंदर लिया ही है, सो नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा इसका कुछ मरम पट्टी तो करने की जरूरत नहीं है, एक ऑइंटमेंट है वो लगा, डन, कुछ नहीं हुआ, चींटी काटने के समान है ये. अभी खाने में है एक केड़ा और दूध. डूड हैव सम दूध. देवी और सज्जनों, ये रहा अपना पोस्ट वर्कआउट वाला सेल्फी. हाय, सो खाना हो गया कंप्लीट, वाटर वाला टारगेट भी रीच हो गया, एंड सारे टारगेट्स आज के कंप्लीटेड. एंड अभी क्या है, एज मैं आपको बता रहा था, स्लीप साइकिल की लगी हुई है. सो अभी हम एक काम करेंगे, आंखें बंद करेंगे एंड चुपचाप सो जाएंगे. एंड मिलते हैं कल वाले वीडियोस नहीं, कल वाले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस.